शिखर धवन। एक वक्त था जब ये नाम भारतीय टीम के सबसे अहम सदस्यों में आता था। शिखर धवन टीम इंडिया के परमानेंट मेंबर थे, वनडे और टी20 और एक समय पर टेस्ट भी खेला करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके प्रदर्शन में गिरावट आई और कुछ युवा खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते गए, इस वजह से शिखर धवन टीम इंडिया से बाहर हो गए। उसके बाद एक वक्त आया जब शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी जब नहीं खेलते थे तब बी टीम के कप्तान बनते थे। लेकिन अब शिखर धवन ए टीम बी टीम किसी टीम का सदस्य नहीं है। शिखर धवन अब पूरी तरीके से टीम इंडिया से बाहर हो चुके हैं। शिखर धवन ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच दिसंबर 2022 में खेला था। इसके बाद से शिखर धवन नीली जर्सी में नजर नहीं आए हैं। अब एक बार फिर से शिखर धवन का नाम चर्चा में। बीसीसीआई ने एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया है। पहली बार भारतीय टीम एशियन गेम्स में खेलेगी। ऐसी खबरें थी कि इन गेम्स में टीम इंडिया की कप्तानी शिखर धवन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेलेक्टर्स ने युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया है। इसके बाद धवन को लेकर दो सवाल खड़े हो गए। सेलेक्टर्स ने शिखर धवन को नहीं चुना है, इसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह यह हो सकती है कि शायद अभी भी वो टीम इंडिया के वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा हो। सेलेक्टर्स चाहते हो कि एक अनुभवी खिलाड़ी को वर्ल्ड कप खिलाया जाए। और दूसरी वजह बिल्कुल साफ है कि शिखर धवन का जो इंटरनेशनल करियर है वो अब खत्म माना जाए। रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग पार्टनर के तौर पर भारत के पास अब शुभमन गिल है, ईशान किशन जैसे विकल्प। ऐसे में धवन का मेन टीम में चुना जाना काफी मुश्किल लगता है, लेकिन बैकअप ओपनर के तौर पर टीम इंडिया में शिखर धवन अभी भी शामिल किए जा सकते हैं। हो सकता है सेलेक्टर्स इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें एशियन गेम्स की टीम में न चुना हो। ये भी संभव है कि सेलेक्टर्स उन्हें वर्ल्ड कप की मेन टीम में शामिल करने के बारे में सोच रहे हो, इसलिए उन्हें एशियन गेम्स के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया हो। लेकिन एशियन गेम्स की टीम में न चुने जाने का एक और मतलब हो सकता है। ये वो है कि सेलेक्टर्स ने शायद धवन को संकेत दे दिया है कि उनका करियर खत्म हो गया है। 37 साल के शिखर धवन ने भारत के लिए वनडे मैच खेला था 10 दिसंबर 2022 को। इसके बाद से वो टीम इंडिया से गायब है। धवन को लेकर सेलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं ये तो तभी पता चलेगा जब वनडे वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान होगा। अगर वनडे वर्ल्ड कप की टीम में शिखर धवन का नाम आता है तो ये उनके फैंस के लिए बड़ी खबर होगी, खुशखबरी होगी कि उनका करियर अभी और लंबा चल सकता है। लेकिन अगर वनडे वर्ल्ड कप की टीम में शिखर धवन को नजरअंदाज किया जाता है तो ये माना जा सकता है कि अब उनका करियर खत्म हो चुका है और उनके संन्यास का समय आ चुका है।